तो आगे तुम लोग सब स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर। और आज मेरे साथ दो लड़के, जैसे कि एक तो भाई है, ये मेरे मामा के लड़के हैं, और एक और मामा का लड़का जिसका नाम है पंकज, जो कि बहुत टाइम से आया नहीं अभी तक, और ये उनके बड़े भाई है। हाय बोल दो यार कैमरे को, शर्मा मत। ये सब लोग शर्मा रहे, जैसे मैं शर्मा रहा हूँ वैसे ये लोग भी शर्मा रहे। तो आज हम लोग जाने वाले, कहाँ जाने वाले भाई? आसपास की धूनी मंदिर है जो राजसमंद से कुछ दूरी पर पड़ता है। शिव जी का एक मंदिर है जो राजसमंद से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। हाँ, तो इस भाई ने पूरी की पूरी ऐसे याद कर, पूरी की पूरा निबंध लिख रखा है, वो याद कर दिया और सुना दिया हम लोग को, तो बहुत बढ़िया बात है। 15 मिनट्स लेटर, तो लिटरली 15-20 मिनट वेट करवाने के बाद मेरे मामा का दूसरा लड़का भी आ गया। इसका नाम क्या है भाई? पंकज नाम है इसका। नाम तो बता दे। पंकज है। और यार ये मत कर भाई। पंकज, ये भाई साहब बहुत टाइम से चाय वाय पी रहे थे, क्योंकि इनका क्या बताएगा कुछ क्या बताऊं। हाँ, चाय पी रहा था इसका। एक्चुअली ना इसके भाई का ससुराल है यहाँ पर, तो ये ना ये साला छेड़ने आया यहाँ पर। कितनी साली छेड़ी तूने बता। और इनके ना चेहरे के ऊपर क्या है? अरे ये देखो, ये इसको बोलते हैं मस। इसको मस। सोमवार के दिन शिव जी की अगर हम पूजा करते हैं, उनके बैंगन या एक झाड़ू चढ़ाते हैं, तो ये मस से हो जाता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ, इसलिए ये भाई साहब मेरे को भी लेके जा रहे हैं, और ये पूरी गैंग को लेके जा रहे हैं कि भाई ये मस से हो जाए मेरा। हाँ, हो जाएगा। और आपके भी हो तो आज मैं आपको पूरी विधि समझाने वाला हूँ। तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ये बोल रहा है कि बैंगन यूज करो, बैंगन से हो जाता है। हाँ, बैंगन, शिव जी के बैंगन चढ़ाने से और एक झाड़ू चढ़ाने से। तो यार एक्चुअली यहाँ की जो रोडें हैं, हम लोग जा रहे हैं और ये सिंगल रोड है यहाँ के जाने का, और इसी रोड के ऊपर आपकी बसें भी जाती है, ट्रकें भी जाती है, और ये भीलवाड़ा जाने का नेशनल हाईवे 58 एकमात्र यही है। बताओ, ये हाईवे है भाई साहब, पानी देख रहे हो कैसा ये। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, ये पूरा रास्ता ऐसा ही है, जहाँ से आ रहे हैं ना पूरा रास्ता हमने ऐसा ही देखा। नेशनल हाईवे देख सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट जो है ना, मजे ले रहे हो यार। मतलब मेरे तो घर के पास हाईवे भाई साहब हरी, वो इतना अच्छा है। और ये हाईवे भाई साहब ऐसा है कि भाई अभी आके इसमें सलमान खान गाड़ी चला के जाएंगे। एक्चुअली मुझे हरी बता रहा था कि ये हरी कितनी बार आ चुके हैं हरी यहाँ पर, तू मुझे याद भी नहीं है, बचपन से कम हर साल 2 से 3 बार। और अच्छा, 21 साल की उम्र में कम से कम शतक तो पूरा हो गया होगा मेरा। अच्छा, शतक पूरा आने का। और फिर भी इसको रोड की हालत कैसी है? रोड की हालत बचपन से देख रहा हूँ, शायद 10% बिगड़ी है। 10% कभी सही नहीं हुई है हरी। मरने की चांसेस कितनी होगी? ये देखो, ये बस अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मगर एक ट्रक निकला यहाँ से, ये बात हमें राजस्थान सरकार तक पहुँचानी इस रास्ते की। इतनी वायरल होनी चाहिए कि अशोक गहलोत को ट्वीट करो ये वीडियो सबसे पहले कि ये रोड है, ये रोड है, कि ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 58 है, ये इसकी हालत है ये। अभी जो सबसे मजे की चीज जो यहाँ पर लगी ना, कि यहाँ पर विकास बहुत ज्यादा कम है यार। एक्चुअली अगर तुम यहाँ पर फंस गए तो भाई निकलना मुश्किल, तो पिंचर भी निकलवाना मुश्किल पड़ जाएगा गाड़ी का, ऐसी स्थिति है। तो भाई इतना हम लोग अंदर आ चुके हैं, लाइक लिटरली आधा घंटा हो चुका होगा हमें सफर करते करते, और अब जाके हमें एक ये मंदिर दिखा है। तुम सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हरी झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है भाई, यहाँ पर सच्ची में एडवेंचरस लाइफ चल रही है हमारी, बता रहा हूँ। ट्रक हमला करते हैं। हमला करते हैं। ये मंदिर है ना ऐसे, मतलब बिल्कुल ही जंगल के अंदर ऐसा छुपा सा है, ये पहाड़ है यार देखो, पूरे ये पूरा जंगल है और उसमें से भी एक मंदिर है। तो ये फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये एंट्री है, ये रास्ता है, और बाहर में बहुत सारे बंदर दिखे थे। चलो भाई, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। तो फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। हमारे हरी भाई तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हो भाई? केला खाओगे? हम लोग एक्चुअली केला लेके आए हैं यहाँ पर बंदरों को खिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं। ये भाई वहाँ पर है मंदिर, पहाड़ों के बिल्कुल बीच में मंदिर है। अरे हरी, ये पंकज के दोस्त वहां पर क्या कर रहे? देखो यार वहां पर बहुत सारे बंदर हैं, वो नीचे से लेके वो पूरे के पूरे वहां तक बंदर है, और मैं केला लेके आया हूँ साथ में, अपने दो केले थे जो मेरे दोस्त ने डर के मारे उनको पकड़ा दिया और वो लेके भाग गए। और बाहर एक शिवजी भगवान की मूर्ति है, अगर तुम यहाँ से देखो तो तुम्हें दिख जाएगी। और ये रास्ता है, बहुत सही रास्ता है, क्योंकि मंदिर पूरा ऊपर तक है। मंदिर देख रहे हो भाई साहब, जंगलों के बिल्कुल बीच बना रखा है इन लोगों ने। तो पहले तुम लोग को बंदर दिखाता हूँ, यहाँ पर बंदर बहुत सारे, ये बुला रहे बंदरों को। देखो भाई साहब, पूरी गैंग खड़ी है आगे।
आगे जाऊंगा भाई, मेरे को लेके भाग गए थे साथ में। इनको देता हूँ, वाह केला केलो केलो केला देख के आए, केला देख के आए भाई, केला देख के आए हो रहे हो भाई। ये छिलका नहीं खाएंगे ये लोग, इनको खाली केला चाहिए। अबे हमारे दो केले लेके भाग गए थे वो। आपको हिंदी बोलने आती है? हिंदी बोलने आती है? हिंदी बोलो बोलो, इनके बारे में कुछ बोलो। ये तो आपके सामने बैठ गए सबके सब। हाँ बढ़िया, सब दोस्त है, बाके सब दोस्त हैं आपके? वाह बढ़िया बढ़िया यार। शाम सुबह हाँ खाना पीना अच्छा। ओए ओए ओए, लड़ो मत भाई, लड़ो मत, मेरी फटरी है यहाँ पर तुम्हें देख के। अरे पंकज को बुलाओ, पंकज कहाँ है? पंकज लेटरी धर कर रहे हैं। पूरे के पूरे लंगूर है, बंदर नहीं है ये, लंगूर ही है सबके सब। केने लापसी, केने हीरो। वो जो दादाजी है वो डेली खिलाते हैं इन बंदरों को, कभी लापसी बोलते हो क्या बोलते हैं उसको, हलवा ये पूड़ी वगैरह कुछ ऐसा करके इनको खिलाते हैं डेली। अभी तो दाने खा रहे हैं लोग। देखो जहाँ पर सारे के सारे लोग डर रहे थे कि फोटो कैसे खिंचवाए, हमारे भाई नीचे लेट गए बिल्कुल ही। अबे आके बंद करके सो गया भाई वो, उठ जाओ ओए, काट लेंगे बंदर बता रहा हूँ, पीछे खड़ा है वो। वहाँ तो चल के आते हैं भाई, मेरे को डर लग रहा है कुछ करना। नीचे से लेते हो? नहीं नहीं कुछ नहीं लेंगे ये। इधर आजा भाई, तुम लगी मेरी फटरी है, कोई लेके पूंछ पे पैर मत रख देना। नहीं 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 सब एक साथ झपट जाएंगे भाई। भाई जय श्री राम, मैंने केला खिलाया था तुम लोग को, देखो नहीं पूछ पे पैर नहीं रखूंगा भाई ये बच्चे। अरे भाई मेरी फटरी है यार, मेरी फटरी है यार। भाई क्या लोकेशन है यार, बहुत प्यारी जगह। यहाँ पे ब्रेकअप करके बैठा हुआ ना वो जरूर अपन को। भाई यार यार वरुण पुटी जी क्या कर रहे हो, भाग रहे हो? वहाँ ऊपर मंदिर है और ये पूरे के पूरे खंडर, ये खंडर नहीं है ना, ये नए बन रहे हैं ना, ये नए बन रहे हैं। और यहाँ पर ये पूरे के पूरे लंगूर, ये है भाई आपका आसपाट धाम, ये राजसमंद जिले में है और ये है आपका आसपाट धाम, भिलवाड़ा से थोड़ा सा क्लोज है। भले ही सड़क बहुत मुश्किल की है बट यहाँ पहुंचने के बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लंगूर है जो कि बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं मगर हमसे अच्छे हैं, वो खाना वाना खा रहे हैं। और अगर तुम पूंछ पे पैर रख दोगे तो क्या होगा? पंकज रख दिया था पूंछ के ऊपर पैर, अब बंदर उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये पानी मतलब मेरे को इतना खराब भी लग रहा यार। पानी ये पहाड़ से निकला हुआ। वो नीचे देखो झरना, वो पहाड़ से निकल के ऐसे 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 करता करता करते करता वहाँ तक जा रहा है नीचे। पीसफुल है ना ये जगह, मतलब बिल्कुल पीसफुल, कोई नॉइस वगैरह नहीं है, ऊपर से आपके पानी की आवाज भी बहुत प्यारी प्यारी आ रही है, तो तुम्हें मजा आएगा। बाकी तुम यहाँ से देखो काफी ज्यादा खूबसूरत है, नीचे एक मंदिर है और आगे पूरे पहाड़ है, ऊपर मंदिर है, नीचे झरना है। तो एक्चुअली जो सबसे मेन मंदिर है ना वो इसके अंदर ही है, और ये हाँ पहाड़ी के सबसे ऊपर यही है। यहाँ पर पानी जो तुम्हें दिखाया था ना नीचे मैंने झरना, वो झरना एक्चुअली यहाँ से जाता है। और वो जो आगे तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक्चुअली खंडर नहीं है, ये एक्चुअली नया बन रहा है कुछ, और ये पूरा नया बनेगा। और इसके पीछे की तरफ जो बन रहा था ना, वहाँ पर ये पूरे के पूरे लंगूर रहते हैं और वहीं से इनका पूरे का पूरा आना होता है। तो अभी हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं उस जगह पर ऐसा सीन है कि भाई तुम यहाँ पर कुछ भी मांगोगे तो तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएगी, ऐसा कोई और नहीं हरीश ही कह रहा है, तो हरीश की सारी मुरादें यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे ये कब्जा बांधा हुआ है, मुराद मांगी होगी उसके साथ अपना एक शरीर का अंग बांध दिया, शरीर का अंग नहीं कपड़ा बांध दिया, अंग बोल तो हाथ पैर बांध देना यहाँ पर, अंग वस्त्र बांध दिया, अंग वस्त्र बांध दिया। तो ये पूरा ऐसा मतलब एक, ये क्या है, बरगद का पेड़ है ये बड़ा सा, और इस पेड़ पे पूरे के पूरे लगे हुए हैं, ये पूरी जाती है यहाँ पर आपकी। अगर आप कहोगे कि भाई मेरी शादी जैकलिन से हो जाए, जैकलिन से शादी हो जाएगी आपकी, डोंट वरी, भगवान सब कुछ कर देगा। वापस बोलना एक बार, पंडान सिंह क्या, वापस पंडान सिंह, जैकलिन फन डांसिंग, ठीक है भाई, अब से जैकलिन का नाम जैकलिन फन डांसिंग। चलो फिर आज के लिए इतना ही, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मैं ऐसी और वीडियोस लाऊंगा तुम्हारे लिए, नया पहला वाला व्लॉग भी देख लेना। और ये हमारे जो भाई है हरी, बैंगन कहाँ है तुम्हारा, चढ़ाया नहीं तुमने बैंगन मंदिर में? शिव जी के बैंगन चढ़ाने से बस यार यही था, पहाड़ों के अंदर मंदिर आपका, और लाइक की बहुत सारे कर देना बिल्कुल यार, आई लव यू टू, ओके बाय।